कान के पर्दे में छेद, कान के पर्दे में सफेद दाग, अनहेल्दी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, वैक्स इन द ईयर एंड पिन्ना डिफॉर्मिटी, ये पांच चीजें दोस्तों जिनके कारण से आर्मी में आपको अनफिट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वो रेफर पॉइंट जो हमारे आर्मी एस्पिरेंट के लिए है। बट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड दोस्तों साथ ही हमारे जो फेसबुक और इंस्टा चैनल है उसको भी फॉलो करना ना भूलें। यस दोस्तों, बात करते हैं क्या वो रेफर पॉइंट हैं जो एक आर्मी में रेफर कर दिया जाता है। दोस्तों बहुत बुरा लगता है जब हम अच्छी तैयारी करते हैं एंड जब एंड टाइम पे हमारे को निकाल दिया जाता है मेडिकल में, सो किसी अनभिज्ञता के कारण हमारे को उस में जो है आर्मी में निकाल दिया। सो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि कौन सी वो चीजें हैं पार्टिकुलरली जो रेफर जो किया जाता है हमारा ईएनटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ईयर का, क्योंकि जितने भी हमारे जो पेशेंट आते हैं मोस्टली वो ईयर या नोज की प्रॉब्लम के कारण रेफर होते हैं। सो ईयर में जो मोस्ट कॉमन, हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन जो पेशेंट आते हैं दोस्तों, जो मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट आर्मी के जो रेफर होके आते हैं, उनमें सबसे कॉमन है दो चीजें। यस दोस्तों दो चीजें, नंबर वन कान के पर्दे में छेद, ईयर ड्रम रैप्चर, ईयर ड्रम परफोरेशन, नंबर वन। सबसे ज्यादा पेशेंट दोस्तों कान के पर्दे में छेद के आते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड जो है वो है कान के पर्दे में सफेद दाग। ये दो जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन है जो पेशेंट रेफर। इसके बाद जो कान से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बहुत माइनर है, वो है दोस्तों वैक्स कान के अंदर है, क्योंकि कई बार क्या है वैक्स को इतना वो कंसिडर नहीं करते, बट फिर भी क्या है वैक्स है। एंड कई बार क्या होता है कि दोस्तों जो हमारा कान का जो कैनाल है या कान का बाहर से पिन्ना नहीं है, तो पिन्ना डिफॉर्मिटी हो गया, कैनाल डिफॉर्मिटी हो गया। एंड एक कई रेयर केसेज में दोस्तों कई बार ऐसा भी लिखा होता है, आपने देखा होगा कि अनहेल्दी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सो ये तीन चार जो पॉइंट है, कान के पर्दे में छेद, कान के पर्दे में सफेद दाग, अनहेल्दी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, वैक्स इन द ईयर एंड पिन्ना डिफॉर्मिटी, ये पांच चीजें दोस्तों जिनके कारण से आर्मी में आपको अनफिट करते हैं। ये है कान से रिलेटेड। बात करें दोस्तों नोज से रिलेटेड, नोज में जो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं दोस्तों ओपीडी में, सबसे मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन डीएनएस नंबर वन, चाहे वो पोस्टीरियर डीएनएस हो, चाहे वो आगे से दिख रहा है कोडल सेप्टम डेविएशन हो, डीएनएस कॉमन है। इसके बाद में नोज से जो रिलेटेड दोस्तों वो आते हैं नोज पॉलिप्स, नाक में मास, नोज पॉलिप्स। एंड बहुत बार दोस्तों क्या है कि कई बार आपका नोज क्या है कि बाहर से जो है विकृत होता है, डेविएटेड होता है, उसके कारण भी वो रेफर कर देते हैं। बट जो मोस्टली नोज में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जो है डीएनएस, ये हो गया हमारे नोज से रिलेटेड। एंड इसके अलावा दोस्तों जो हमारा ओरल कैविटी से जो रिलेटेड है उसमें बहुत कम रेफर बनाया जाता है, फिर भी वो क्या है दोस्तों, वो आपकी टंग को बाहर निकालते हैं। आइडियली आपकी टंग बाहर निकलने के बाद में यूं पूरी की पूरी नीचे आनी चाहिए या आपके नोज के टिप पे टच करनी चाहिए। तो आपको अगर टंग के जीभ के नीचे, जो लोकल भाषा में बोलते हैं तांतु, तो जीभ का तांतु है आपको या टंग टाई है, उसके कारण भी दोस्तों रेफर कर देते हैं। या दोस्तों वो क्या है कि आपका जो गले में मुंह ओपन करा के देखते हैं, अगर आपको बहुत बड़े बड़े टॉन्सिल हैं तो उसके कारण भी आपको रेफर पॉइंट दिला देते हैं। ये दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं ये मोटा मोटा आप 95% पॉइंट है जो आर्मी में जिनमें रेफर किया जाता है। सो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इन सब में से कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है आने वाले आपके मेडिकल में रेफर से बच सकते हैं। बट क्या आप मुझे बताइए कि आपको घर बैठे ही पता लग जाएगा कि आप मेरे को इस रेफर पॉइंट में कोई बात है। सो दोस्तों कैसे पता लगे, आपको एक अच्छे ईएनटी सिस्टम में जाना चाहिए जहां पे पूरा ऑटो एंडोस्कोपी, दूरबीन से नाक कान गला का पूरा एग्जामिनेशन का सिस्टम है, जिससे आपको ये पता लग सके एंड फिर आपको जो है उस रेफर को तोड़ाने के लिए क्या उसका मैनेजमेंट है। सो दोस्तों याद रहे, नेक्स्ट हम वीडियो में लेके आएंगे ये सारे रेफर। यस,
ये सारे रेफर हम कैसे तोड़ सकते हैं? एंड आपको एक सिंगल शॉट में आपका आर्मी का जो मेडिकल है उस मेडिकल के अंदर आप फाइट करके एंड जस्ट आर्मी के अंदर जो है आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। नहीं तो दोस्तों बहुत निराशा होगी, सारा फिजिकल के बाद मेडिकल में निकाल देंगे, उसके बाद बहुत बुरा लगेगा, फिर आप भागोगे, सर 10 दिन का टाइम मिला है, 15 दिन का मिला है, एमएच में भागोगे। इसलिए आज ही दोस्तों अभी सबसे पहले प्रॉमिस कर लो कि मेरे को मेरा ईयर नोज एंड थ्रोट चेक कराना है, ऑटो एंडोस्कोपी है, नेजल एंडोस्कोपी है, एंड मेरे को ये देखना है कि कहीं मेरे को रेफर कहीं तो नहीं है जिससे मैं तुरंत उसका इलाज करा सकूं। सो देखा दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण है ये इंफॉर्मेशन, जस्ट अभी निकल लो आप एंड चेक कराओ अपना, एंड अगर कोई पॉइंट है तो उसको हमें ठीक कराना है। जय हिंद।